थाना कैंपियरगंज की पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 3,20,000 नगद जेवरात, एक तमंचा, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया। जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताजा ने बताया कि जनपद सिद्धार्थ नगर के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी अरविंद कुमार वर्मा अपने परिवार के साथ अपने पूर्व के परिचित अवधेश यादव की वैगनार गाड़ी से गोरखपुर जेवरात खरीदने हेतु आए थे। बाद में खरीदारी से वापस जाते समय धानी ढाला टोल प्लाजा के पीछे से आ रहे दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा ड्राइवर अवधेश यादव को आवाज दिया गया कि आपकी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है। उनकी आवाज सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, जिसके उपरांत उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को कारित किया गया था। घटना के बाद से ही इनके साथ आया हुआ ड्राइवर पूरी तरीके से संदिग्ध था, जिस कारण पुलिस टीम द्वारा बार बार उससे पूछताछ किया जा रहा था तथा इसके ऊपर उक्त टीमों द्वारा तभी से सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी एवं इनके आसपास मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया था। मुखबिर द्वारा भी यह बात बताई जा रही थी कि अवधेश व उसके दो साथियों का घटना के बाद से हाव भाव में काफी परिवर्तन आया है। मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त टीमें इसके आसपास लगी हुई थी कि आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि लूटा गया जेवरात लेकर अपने साथी के साथ अवधेश गोरखपुर जाने वाला है। इस सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करने पर अवधेश व उसके साथी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अवधेश द्वारा बताया गया कि अरविंद कुमार वर्मा को मैं ही अक्सर जेवरात खरीदने हेतु लाया करता था, जिससे इनके बारे में मुझे भली भांति जानकारी हो गई थी तथा मेरे मन में यह आ गया था कि इनके साथ घटना कारित करने पर भारी मात्रा में जेवरात व पैसा मिल सकता है। इसके लिए मैंने अपने साथी मुन्ना पठान व अपनी दुकान पर काम करने वाले प्रकाश कन्नौजिया के साथ मिलकर एक योजना बनाई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बहादुर सिंह, निरीक्षक प्रभारी स्वाट प्रदीप शर्मा, क्राइम ब्रांच निरीक्षक चंद्रभान सिंह, प्रभारी एसओजी क्राइम ब्रांच ओम निरीक्षक धीरेन्द्र राय, प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, प्रभारी क्राइम ब्रांच उप निरीक्षक के सिंह शामिल रहे। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक ने 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताजा ने कहा, और उसी के चलते जब यह सराफा यहाँ आ रहा था तो उसने अवधेश को अपनी गाड़ी के साथ में किराए पे लेके आया था। कितने अवधेश को गाड़ी चला था अपनी? हाँ, अपनी गाड़ी खुद लेके आया। कितने लुटेरों ने अंजाम दिया था घटना को? 3 लुटेरे थे कुल, जिनमें से 2 पुलिस ने गिरफ्तार किए, मतलब एक तो ड्राइवर था, 2 लुटेरे थे। पीड़ित है उसपे भी डाउट था, क्योंकि जो कहानी सुनी गई थी उसमें गाड़ी जिस हिसाब से यहाँ से सिद्धार्थ नगर चली जानी थी, चाहिए थी जितने समय में, उतने समय में पहुंची नहीं। अधिकारी कैंपियरगंज साहब ने स्वयं कमान संभाली टीम की और स्वयं दबिश में गए। जो स्वाट टीम है और एसओजी टीम है, सर्विलेंस टीम है, इनके साथ जो एक लूट का खुलासा हुआ है जो कि जुलाई माह में थाना कैंपियरगंज में हुई थी। एक सराफा कारोबारी के साथ में वहां पर गाड़ी से जाते हुए 2 मोटरसाइकिल पर युवक आए थे, जिन्होंने उनसे उनके सोने के गहने लूटे थे। और इस संबंध में पुलिस ने आज ये खुलासा किया है और खुलासा करते हुए लगभग 6,00,000 रुपए की बरामदगी का माल हुआ है, जिसमें से कि 60 ग्राम सोना है और 3.25 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ ही इनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति वही है जो उस दिन घटना के समय पीड़ित की गाड़ी चला रहा था और इसी ड्राइवर ने अपने मित्रों के साथ मिलकर इस घटना की योजना बनाई और योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। प्लान के तहत जब इसे पता चला कि सर्राफा कारोबारी गोरखपुर आया है और यहां से सोने की खरीदारी करके वापस सिद्धार्थनगर लौट रहा है और ये साथ में था, तो इसने वहां पर बहाना बना के बीच में गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की स्पीड धीरे कर ली,
इसी बीच इसने अपने साथियों को पहले से ही बता रखा था कि किस जगह घटना को अंजाम देना है। वहां पर इसके दो साथी आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने आकर तमंचा दिखाते हुए जो सराफा कारोबारी है उनके साथ लूट की थी। पुलिस ने तब भी इन सभी लोगों से जो पीड़ित है उससे भी और जो ड्राइवर हैं इनसे भी काफ़ी लंबी पूछताछ की थी। लगातार पिछले 2-3 महीनों से पुलिस पूछताछ कर रही थी परंतु कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम इनसे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रहे थे और हमें कोई खुलासा नहीं हुआ। पिछले कुछ समय में पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें कि ड्राइवर की संलिप्तता प्रतीत हुई और प्रत्याशी सुराग्रसी करके इसके जो अन्य साथी हैं उनकी भी पुलिस ने जानकारी की और कल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो घटना की रकम है और जो घटना का सोना है वो बरामद किया है। ये इससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक पुलिस की जानकारी में नहीं आया है परंतु जान छानबीन की जा रही है। जो घटना में मोबाइल गया था पीड़ित का वो भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। सोने के गहने, 3.25 लाख रुपये नकद, एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा, ये वस्तुएं इनके पास से बरामद हुई है।